अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स टू आर यूट्यूब चैनल यूनानी स्कॉलर। आई एम डॉक्टर बुशरा अब्रा, एम एस एम डी मुलतफिया। तो आइए स्टूडेंट्स, प्लांट ओरिएंटेड ड्रग्स में आज हम एक नई दवा के बारे में पढ़ते हैं। ये है हुब्बाजी। हुब्बाजी का जो बॉटनिकल नेम, नबाती नाम है इसका मालवा सिल्वेस्ट्रिस। हुब्बाजी को कई मुतरादिफ नाम से जाना जाता है, जैसे इसको इंग्लिश में कॉमन मेलो कहा जाता है, इसके अलावा इसको नान कला के नाम से भी जानते हैं और इसको सोचल भी कहा जाता है। आइए माहियत जान लेते हैं हुब्बाजी की। हुब्बाजी क्या है, तो आप लोगों को इसका पौधा दिख रहा होगा। इसका एक आधे मीटर कद का इसका पौधा होता है, बहुत ऊंचा पौधा नहीं होता है इसका, और इसमें बहुत ही खूबसूरत से आप लोगों को फूल नज़र आ रहे होंगे। इसमें फूल निकलते हैं, पर्पलिश पिंकिश कलर के इसके फूल होते हैं। और ये जो हुब्बाजी होता है, इसका जो तुख्म होता है, दरअसल ये तुख्म नहीं है बल्कि इसको लोग जनरली तुख्म कहते हैं, लेकिन इसको बॉटनिकली अगर हम देखें तो इसका फल होता है। तुख्म इसके अंदर, फल के अंदर इसके मौजूद होते हैं छोटे छोटे से तुख्म। ये गोल आपको सर्कुलर नज़र आ रहे हैं, बीच में इसमें एक सेंटर में एक पिट होता है, एक सुराख होता है इसका, और ये चपटा गोल होता है इसका फल होता है ये, जिसको हम हुब्बाजी के नाम से दवा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसका ये जो फल होता है ये ग्रीनिश कलर का होता है, लेकिन जब ये सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो ये जैसा कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, ये ब्राउनिश कलर का हो जाता है ये। और इसी तरह का हमें ये मार्केट में मिलता है, छोटे छोटे से होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं। इसका पौधा जो होता है ये मरतूब मुकामात पर ज़्यादा पाया जाता है, और कश्मीर में, पंजाब में और यूपी के जो गर्म इलाके होते हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। इसका पौधा जो देखने में काफ़ी खूबसूरत सा होता है, इसलिए लोग इसको डेकोरेटिंग प्लांट के तौर पर भी घरों में लगाते हैं। और इसके अलावा कई इलाकों में इसका जो पत्ते होते हैं उसका साग बनाकर भी खाया जाता है सब्ज़ी के तौर पर। और एक बात मैं बता दूं, हुब्बाजी जो इसका आप लोगों का पौधा दिख रहा है, बहुत से लोग इससे मिसगाइड करते हैं, इसको खत्मी समझते हैं, खत्मी हुब्बाजी एक ही दवा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, खत्मी अलग दवा है। हुब्बाजी और खत्मी के पौधे जो होते हैं काफ़ी एक दूसरे से मुशाबा होते हैं, बहुत ज़्यादा इनमें सिमिलैरिटी होती है, लेकिन ये दो अलग अलग पौधे हैं। जो खत्मी के पत्ते होते हैं, लीफ होती है, उसका साइज़ छोटा होता है, हुब्बाजी की लीफ का साइज़ बड़ा होता है। इनके फ्लावर के कलर में भी थोड़ा डिफरेंट होता है, वो जर्दी माइल होता है, और हुब्बाजी का पर्पलिश पिंक कलर का होता है। तो ये डिस्टिंग्विश फीचर्स हैं इन दोनों के। मिजाज की बात करते हैं, तो हुब्बाजी का मिजाज वेट एंड मॉइस्ट है, यानी कि ये सर्द तर मिजाज रखता है। अब इसके मिजाज में थोड़ा तिब्बा में इख्तलाफ है, बाज़ तिब्बा के नज़दीक ये सर्द तर पहले दर्जे में है और बाज़ के नज़दीक ये सर्द तर दूसरे दर्जे में है। लेकिन बाज़ तिब्बा का कहना है कि ये सर्दी और गर्मी में ये मोतदिल होता है, ये ना ये सर्द है ना ये गर्म है, बल्कि ये मोतदिल मिजाज है। लेकिन जो जमहूर अतिब्बा है, जो मेजॉरिटी अतिब्बा की तरफ जाती है, वो यही है कि इसका मिजाज सर्द तर है, इसलिए मैं आपको सर्द तर इसका मिजाज बताऊँगी। तो आइए इसके अफ़ाल एक्शंस के बारे में जानते हैं। तो इसके एक्शन ये हैं कि ये मुलतफ़ है, यानी कि ये डिमल्सेंट एक्शन रखता है। जो हमारा मवाद होता है, जो कलीज मवाद होता है, उसको ये रकीक करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। इसके अलावा ये मुंजिज मवाद है, मुंजिज कहा जाता है उन दवाओं को जो मवाद को या जो भी हमारे बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं उनको वो काबिले इखराज बनाते हैं, पकाते हैं, यानी कि अगर गाढ़ा है, कोई बलगम है या कोई और हमारा खिल्त है, उसको हमें खारिज कराना है बॉडी से, लेकिन वो इस लायक नहीं है, या तो वो बहुत ज़्यादा पतला है या गाढ़ा है, तो उसको गाढ़ा है तो उसको पतला करता है, पतला है तो गाढ़ा करके उसे काबिले इखराज बनाता है। इसके अलावा ये मुगर्री भी होता है, ग्लूटिनस होता है, और मुनफ़िस बलगम है। इसके अलावा ये मुदरे बॉल भी है। इसका जो मेन एक्शन है ये मुलतिफ मुंजिज मवाद है। तो आइए इस्तेमाल की बात करते हैं इसकी, तो क्योंकि ये मुलतिफ है, मुकर्री है और मुंजिज मवाद है, इसलिए हम इसको खशूनत हलक में, नज़ले ज़ुकाम में, खांसी में इस्तेमाल कराते हैं। इसका जो शानदा बना के खशूनत हलक कहा जाता है, जो ड्राइनेस ऑफ थ्रोट हो जाता है उस कंडीशन में हम इसको इस्तेमाल कराते हैं।
इसके अलावा हम इसको बहतुस सौत कहा जाता है। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस यानी कि गला बैठना, आवाज़ बैठना में इसकी जो शानदा बनाकर इससे गरगरा कराया जाता है और मरीज़ को इसको इस्तेमाल कराया जाता है तो इसको दूर करता है। इसके अलावा सहज अमा कहा जाता है, जो अमा यानी कि इंटेस्टाइन में ख़ारिश पैदा हो जाती है, ख़राश हो जाती है तो उसको ये दूर करता है। इसके अलावा हम इसको सोजिश बॉल में यानी बर्निंग मैक्चुरेशन में, अस्ट्रल बॉल में यानी डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन की कंडीशन में, और एहतबास बॉल में यानी रिटेंशन ऑफ यूरिन में, इन तमाम कंडीशंस में हम खुबाजी का इस्तेमाल कराते हैं। इसके अलावा कब्ज में या कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में भी हम इसका यूज़ करा सकते हैं मरीज़ को। मकदार खुराक है इसकी 5 से लेकर 7 ग्राम की मकदार में, अगर हम इसको तनहा इस्तेमाल करा रहे हैं तो 5 से 7 ग्राम की मकदार में इसका सफ़ूफ बना के हम इस्तेमाल कराते हैं। इसके अलावा इसके जुशांदे की फॉर्म में मरीज़ को इस्तेमाल कराया जाता है। कीमियावी अज्जा इसके अंदर टैनिन पाया जाता है, म्यूसिलेज है, फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, इसके अलावा इसमें ग्लूकोज भी पाया जाता है। मुज़िर असर ये है कि ये मैदे के लिए, तिब्बा ने बताया है कि ये मैदे के लिए मुज़िर असर रखता है अपने अंदर। मुसले ये है, मुसले इसका फवाके कहा जाता है फ्रूट्स को, फलों को, तो इसके साथ अगर हम फलों का इस्तेमाल कराएं तो इसके मुज़िर असर कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। मशहूर मुरक्कब है इसका शरबत एजाज तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का बहुत एक यूज़फुल, एक इम्पॉर्टेंट, बहुत कॉमनली यूज्ड शरबत है ये यूनानी का, इसको हम इस्तेमाल कराते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।